नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने अखबार में देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हम अगर किसी बात करेंगे तो घाटी के लोगों और युवाओं के साथ बात करेंगे, जो कोई बात होगी वो घाटी के युवाओं से होगी, घाटी के लोगों से होगी, ना कि पाकिस्तान से। दो टूक गृह मंत्री ने कह दिया है। गृह मंत्री आगे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। घाटी का विकास और लद्दाख का विकास, इस मकसद से ये कदम उठाया गया है और जो 2024 से पहले कश्मीर जो कुछ भी चाहिए वो आपकी नजर के सामने होगा। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 से पहले जिस कश्मीर की कल्पना देश करता है वो कश्मीर देश के सामने होगा। गृह मंत्री ने कहा कि दिल से खौफ निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं डाल सकता है। इसके लिए आप भारत सरकार पर, हम पर भरोसा कर सकते हैं। आगे अमित शाह ने बहुत सारी बातें रखी। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जनता को इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार है। कश्मीर मोदी जी के दिल में बसता है। मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। कश्मीर की विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वालों की नीयत साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 100% टीकाकरण किया गया। आप में से कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, ये भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सवाल पूछते हुए 70 साल तक अधिकार से आखिर क्यों वंचित रखा गया, सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना था। हम चाहते हैं कि कश्मीर युवा पत्थर ना उठाए, कश्मीर का अपनी सीएम बने जो लंदन ना जाए। यानी कि उनका कहना है कि कश्मीर का अपना सीएम बने जो लंदन ना जाए, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को जिला पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया। ये तमाम बातें आज गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। दरअसल 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में थे गृह मंत्री अमित शाह और अब से कुछ देर पहले ही वो डल लेक का नजारा देख रहे थे और वहां पर कुछ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। तमाम बैठकें हुई, जनता को सीधा संबोधित किया। इसके अलावा जो वहां पर पिछले दिनों आतंकी हमले हुए हैं, जिस तरह से आतंकियों ने आम लोगों को टारगेट किया, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया, उन परिवारों से भी मुलाकात करने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। आज रात यहीं विश्राम करेंगे, फिर कल वापस रवाना दिल्ली के लिए होंगे। तो सिर्फ मसला ये नहीं है कि कश्मीर में विकास हुआ है या नहीं हुआ है और आगे आने वाले समय में कितना विकास होगा, सरकार पर वहां की आवाम भरोसा करेगी या नहीं करेगी। सवाल यह भी है कि अब भी श्रीनगर में पाक की जीत का जश्न मनाया गया है। जी हाँ, 370 हटे 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, उसके बावजूद भी अब भी आपको जम्मू कश्मीर में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाक की जीत का जश्न मना रहे हैं और जीत का जश्न जुड़ा हुआ है क्रिकेट मैच से। T20 विश्व कप कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। ऐतिहासिक जीत थी भारत की, लेकिन कल वो ऐतिहासिक जीत टूट गई क्योंकि पाक ने कल इस जीत को अपने नाम कर लिया। देश भर में लगातार गम का माहौल था क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें थी दर्शकों को, लेकिन वो उम्मीदें खरी नहीं हो पाई। तो ऐसे में जहां एक तरफ ट्विटर पर ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, टीम इंडिया हारी, लेकिन टीम इंडिया कमजोर नहीं है, टीम इंडिया आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन पाकिस्तान की जीत पर भारत में आखिर जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से श्रीनगर में पाक की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। इतना ही नहीं, यहां तक तो ठीक था, आवाम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आवाम को बरगलाया गया है बीते 70 सालों से, लेकिन वहां के नेता इसको सही मान रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया तो मिठाइयां बांटी गई, तो आप जीत का जश्न आखिर क्यों ना मनाया जाए, आखिर दिक्कत क्या है जीत का जश्न मनाने में। महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं, उम्मीद भी उनसे क्या की जा सकती है।
फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से धोखा कर रही है सरकार। पाक से बात करनी चाहिए, लेकिन आप ये बताइए कि आखिरकार कश्मीर में पाकिस्तान का काम क्या है? क्यों कश्मीर में पाकिस्तान का राग अलापा जाता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार ऐसा होता है कि कश्मीर में पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। जो लेफ्ट के नेता हैं लगातार ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से। इस पर आज हम चर्चा करेंगे जो कुछ हो रहा है इस दौरान जम्मू कश्मीर में। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा प्रवक्ता है बीजेपी से, सूची विश्वास प्रवक्ता है कांग्रेस से, वकार भट्टी यहां पर सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहला सवाल गौरव मिश्रा जी, सत्ता में आप हैं, गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे, आज जनता को संबोधित किया है, जम्मू कश्मीर की आवाम को संबोधित किया है, लेकिन वहां पर अब तक विकास लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। श्रीनगर में अमित शाह ने दावा किया कि 2024 से पहले जिस कश्मीर की कल्पना देशवासी कर रहे हैं वो कश्मीर नजर आएगा। कैसा कश्मीर देंगे? देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दिया है, और पिछले दिनों जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर में टारगेट किलिंग करके शांति का एक जो माहौल था उसको खराब करने का जो प्रयास किया गया है आतंकियों के द्वारा, क्योंकि कश्मीर के अंदर में एक जिहादी मानसिकता इंडोक्ट्रिनेशन लंबे समय से, दशकों से वहां चलती चली आ रही है, और वो जो उपद्रवी तत्व हैं वो वहां के शांति के माहौल को बार बार भंग करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत सीधा संदेश था कि किसी भी हालत में भारत की सरकार और भारत की सेनाएं उनको शांति भंग करने नहीं देंगी, और जो एक विकास की यात्रा कश्मीर के अंदर शुरू हुई है जिसका रेखा जोखा भी उन्होंने प्रस्तुत किया, पिछले 70 सालों में जिस प्रकार से 3 परिवार के लोगों ने वहां पे शासन किया है और महज 12,000 करोड़ का निवेश लाया है आज तक उद्योग धंधों के लिहाज से यदि देखा जाए, और पिछले सिर्फ 6 महीनों में ही जिस प्रकार 15,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और उसका रोड मैप 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का रोड मैप 2022 तक तैयार करता है, मेडिकल कॉलेज, IIM, तमाम ऐसे डेवलपमेंट के उपांग वहां खड़े किए जा रहे हैं जिससे कि वहां की जनता को समान अवसर प्रदान हो। जनता ये समझ नहीं रही है, जनता वो समझ ही नहीं रही है। अगर वो समझ रही होती जो तो तस्वीरें हमने कल देखी है ना, जनता समझ रही है, श्रीनगर की जो तस्वीरें हमने देखी है वो नहीं होती। कल भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच था, पाकिस्तान जीता भारत हारा, लेकिन वहां पर जश्नबाजी की गई है, आतिशबाजी की गई है। क्यों मां के नौजवान को आखिर क्यों आप नहीं ठीक कर पा रहे हैं? 2 साल हो गए हैं 370 अटे। ये आतिशबाजी कांग्रेस के लोगों ने भी किया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी किया है, उनको दरअसल बेचैनी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार से है, उसके खिलाफ हर वो मुद्दे अख्तियार करना चाहती है, भले ही वो देशद्रोह से जुड़ा हो, पाकिस्तान से जुड़ा हो, चीन से जुड़ा हो। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कर देना चाहता हूँ पूरे कश्मीर के लोगों के लिए, जो कश्मीर के अंदर में जिहादी मानसिकता को बल देगा, सपोर्ट करेगा, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जम्मू कश्मीर में है, उनके होते हुए वो वहीं पर थे, जम्मू कश्मीर में ही थे, उसके बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज कुछ नहीं कहा है, क्यों? देखिए माननीय अमित शाह ने बहुत साफ साफ कहा है, जिन लोगों ने कश्मीर के अंदर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है उनकी जड़ों को खोज करके खत्म कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हमारी सेनाएं, हमारे आर्म फोर्सेस के बुलेट उनसे बात करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही उनके प्रति नहीं बरती जाएगी। नहीं हो रहा है ना गौरव जी, नहीं हो रहा है, जनता के साथ नहीं हो रहा है, वहां की जनता के साथ 370 अटे 2 साल हो गए हैं, चाहती है तो 370 अटे 2 साल हो गए हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। परिवर्तन देखिए, 30,000 लोग लोकतंत्र में विश्वास जताए हैं, 98% वोट परसेंट पड़ा है वहां पर, 30,000 लोग जनप्रतिनिधि, अरे आतंकवादी रोज आप लोगों को मार रहे हैं, अल्पसंख्यक को मार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हुआ है, तो आतंकवादी भी ठोके जा रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं आतंकवादी भी ठोके जा रहे हैं,
जिहादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता के साथ हमारी बंदूकें बात करेंगे, हमारी तोपें बात करेंगे। ठीक है गौरव जी, गौरव जी, कोई बात गौरव जी, वहां के जो नौजवान हैं उनको जो बरगलाया गया है इतने सालों से, जैसा कि आप लोग हमेशा से कहते आए हैं, उनकी मानसिकता को ठीक करना है, वो कैसे होगा? दो सालों में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि पत्थर पत्थरबाज हम नहीं बनने देंगे नौजवानों को। सुन लीजिए, यदि फर्क नहीं आएगा, पत्थर का रास्ता चुनेंगे, AK-47 का रास्ता चुनेंगे, तो उनकी उनकी उनका जो अंजाम है वो निश्चित है, तय है, फिक्स है। वो विकास के रास्ते से वंचित हो जाएंगे, फिर इनका स्थान वही होगा जहाँ आतंकियों का स्थान होता है, ठीक है, हमारी सेनाएं करती है, ठीक है। ये बहुत साफ संदेश हमारे जी। गौरव जी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सूची विश्वासी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार, आवाज मिल रही है, बताइए। सूची जी, आपकी पार्टी की एक नेता है, राधिका खेड़ा नाम है उनका, एक ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। ये ट्वीट उन्होंने कल मैच के बाद लिखा है, जो क्रिकेट मैच कल हुआ था जिसमें भारत हार गया था, और पहली बार भारत ने ऐसे मैच हारा है, इससे पहले इतिहास रहा है भारत का। क्या कहेंगी आप? मैं नहीं जानती ये कौन नेता है, ऐसे तो 150 नेता हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये जानती हूँ कि मेरे परिवार में करवा चौथ का पूरा रंग फीका हो गया। कुछ बच्चे जो है वो तो नेमार और मेसी का रियल मैड्रिड देख रहे थे, लेकिन एक कॉमन परसेप्शन जो है, तो ज्यादातर लोगों का त्योहार फीका हो गया। तो अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर ऐसी भावना रखता है तो मैं समझती हूँ कि दुखद है, और इसका जस्टिफिकेशन तो वो खुद कर सकते हैं। लेकिन अभी आप महबूबा मुफ्ती जी का दिखा रही थी, तो राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बीजेपी ने बनाई थी, तो हो सकता है कुछ हर्ष और दुख उससे जुड़ा हो। दूसरा, जो पटाखे और फुलझड़ियां भी आप कश्मीर में दिखा रही हैं, पटाखे तो कश्मीर में आतिशबाजी है, बहुत बड़ी आतिशबाजी है, झंडे भी लहराए जा रहे हैं, हालांकि अंधेरे के कारण सरकार को सख्ती से ऐसी घटनाओं से निपटना चाहिए। अब तो राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भी नहीं है, तो एटलीस्ट गृह मंत्री जी का स्वयं का दौरा है, ऐसे अवांछित तत्वों से सख्ती से निपटे, मजबूती से निपटे, जैसे आप ध्रुवीकरण के लिए जी, जैसे आप निपटे 70 सालों में, वैसे भाई 70 सालों में तो हमने बहुत कुछ खड़ा किया है, जो ये बेच रहे हैं वो सब हमारा ही है। तो 70 वर्ष की उपलब्धियों के लिए 45 मिनट का डिबेट तो संभवतः ठीक नहीं है, मगर आप जिस विषय पर है उस विषय पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सरकार के खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत और। फासिस्ट ताकतें पावर में है, देश विरोधी संगठनों के साथ मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, और जब सामने आते हैं वही जो गाय है वो उत्तर प्रदेश में माता होती है, और यही अमित शाह जी मिजोरम जाते हैं तो काऊ वहां पर स्टेपल डाइट का हिस्सा होती है, वही इनके बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो आश्रम के सेट पे हमला करते हैं, वही करणी सेना के एम्प्लॉयज हैं तो वो नाक काटते हैं पद्मावती की स्क्रीनिंग में, वही सुशांत राजपूत मैटर उठाते हैं, वही रिया चक्रवर्ती को डिक्लेरेशन देते हैं कि सब सही है, वही समीर वानखेड़े मालूम होता है कि मुस्लिम है, तो ये सरकार थोड़ा मायावी है। तो ये जो जादुई सरकार है, इसकी एक्चुअली मंशा क्या है, जय शाह साहब क्यों बैठे हैं, अक्षय कुमार साहब क्यों बैठे हैं, क्या एजेंडा फिक्स कर रहे हैं, क्या एजेंडा एम्पलीफाई कर रहे हैं, क्या सिविलियंस पे अत्याचार हो रहे हैं, क्यों इंटरनेट शटडाउन किया है, क्यों 144 लगाया है, क्यों कॉमन मैन की हत्या हो रही है, कितने पत्थरबाजों पे है, किस SEC पे कार्यवाही हुई है, कौन इनके साथ है, तो ये थोड़ा विचित्र टाइप की भारतीय जनता पार्टी है। इसका मुझे लगता है कि बेहतर उत्तर हमारे बीजेपी के साथ ही दे पाएंगे। मैं समझती हूँ कि सूची जी, आपने जो बातें रखी हैं इसका जवाब मैं गौरव जी से अभी जरूर लूंगी। वकार भट्टी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। वकार साहब, कश्मीर में पाकिस्तान का क्या काम है? जी, होम मिनिस्टर साहब का भी स्वागत कर रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा उसी दिन जश्न मनाते हैं जिस दिन होम मिनिस्टर साहब यही होंगे। अमित शाह का स्वागत कर रहे थे या पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे या जीत का जश्न था पाकिस्तान का? वही वही तो वही चीज ना, नया कश्मीर था तो अमित शाह साहब भी इस टाइम मौजूद थे यहाँ, तो कश्मीरियों ने बताया भाई यही नया कश्मीर है हमारा, हम पुराने भी वही थे आज भी वही हैं, आपने क्या 370 के बाद अचीव कर दिया वो बता दीजिए। हम पहले भी जश्न मनाते थे पाकिस्तान की जीत का, आज भी जश्न मनाते हैं पाकिस्तान की जीत का, आप बताओ आप क्या करोगे, वो भी
आप मौजूद हैं, हम आपके आप सामने आतंकी तो ही है ना, आप समाजिक कार्यकर्ता ही हैं। आप ये बताइए मुझे बकार साहब, पहले आप ये बताइए कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता नहीं, असामाजिक कार्यकर्ता है ये। सामाजिक कार्यकर्ता है आप? असामाजिक कैसे बयान आप दे रहे हैं, देने वाला कैसे बयान दे रहे हैं, विश्वास करना मुश्किल है। टीवी पे बोलता है कि पाकिस्तान का चुप करेंगे। गौरव जी एक मिनट वकार साहब, गौरव जी एक मिनट, गौरव जी बिल्कुल समय मिलेगा, एक मिनट बस वकार साहब को पूरा करने दीजिए, वकार साहब को बोल लेने दीजिए कि आखिर वो कौन है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है या कुछ और है या कोई और मुखौटा लगा रखा है? जरा मुखौटा हटने दीजिए भाई, चुप करिए आप। चलिए गौरव साहब, ठीक है, बहुत समय है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। चलिए ठीक है, वकार साहब बोलिए। 10 मिनट ये बोले हैं, मुझे बोलने दीजिए आराम से। ठीक है, तो हम डिबेट पर नहीं बैठेंगे आप, आतंकी आदमी है। गौरव जी बोलूं मैं कुछ? चलिए ठीक है वकार साहब, मैं जम्मू कश्मीर का एक नागरिक हूँ। जम्मू कश्मीर में चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे सोशल वर्क हो, हर एक काम में मैं इंटरेस्ट देता हूँ और इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, अब जहां तक मैं बात आई कि आपने बोला कि कश्मीर में जश्न क्यों मनाया गया, अब जश्न को छोड़िए, कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर की मैं अगर बात करूँ, पीर पंजाल, चनाब वैली, कश्मीर वैली और लद्दाख तक जश्न मनाया गया, और 2-4 दिन पहले ही पटाखे लेके घरों में रखे गए कि पाकिस्तान जीतेगा और हम जश्न मनाएंगे। क्यों? तो मुझे बताइए इसमें कमजोरी किसकी है? सुनिए ना, तो सुनिए इसमें कमजोरी किसकी है? अमित शाह साहब दुनिया भर में और भाजपा और आरएसएस के लोग दुनिया भर में ये डंका बजाते हैं कि देखिए जी कश्मीर के लोग तो हमारे साथ हैं, कश्मीरी हमारे साथ हैं, कश्मीर के लोग तो हम लोगों को आज हमने जो 370 खत्म किया आज कश्मीरी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। भाई कल मुझे असली में पता लगा कि एंजॉय कहाँ कर रहे हैं वो लोग। अभी मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपके कल जितने ब्यूरोक्रेट थे, जितने डॉक्टर थे, जितने टीचर थे, जितने पुलिसमैन थे, सब ने जश्न मनाया, आपको वीडियो मिली? आप एक काम करें, उन तमाम पुलिस वालों को सस्पेंड करें, डिसमिस करें, आप तमाम डॉक्टरों को डिसमिस करें, आप तमाम टीचरों को करें, आप तमाम उन ब्यूरोक्रेट को करें जिन्होंने मैच का जश्न मनाया। आपके पास वकार साहब वीडियो है? आपके पास उनके जश्न मनाने का वीडियो है? सोशल मीडिया में जाइए, हजारों नहीं सोशल मीडिया पे मुझे दिखाई नहीं दिया, सुबह से मुझे नहीं दिखाई दिया, आप बताइए आपके पास है ना? जम्मू कश्मीर का सोशल मीडिया थोड़ा देखिएगा। जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया पर मैं क्यों जाऊं? जो देश का सोशल मीडिया है मैं उस पे जाऊंगी? मुझे वहां कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं। आपके पास है तो आप दिखाइए, मैं तो ऐसी बात नहीं रख रही। सोशल मीडिया में सुनिए, आप सुनिए, देश के मीडिया में एक चीज चल रही है ना, देश के मीडिया में पता क्या चल रहा है? क्या 11 प्लेयर में एक मोहम्मद शमी था और गोबर बख्तू ने उसको बेचारे को नहीं छोड़ा, उसको इल्जाम लगा दिया कि इसने मैच करा दिया। ठीक है, इसने नफरत उसका जवाब भी दिया जा रहा है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है, सोचने वाली बात है, उसका जवाब भी दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर, शायद आपने वो नहीं देखा होगा। जवाब तो गोबर बख्तू को समझाइए ना, क्या गोबर बख्त जहाँ ही वही घुस जाते हैं? नहीं वकार साहब, आज 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 नहीं, आज नहीं, अभी कोई अपशब्द नहीं, अभी किसने कुछ नहीं बोला। मैडम जी मैं तो अपशब्द नहीं है, ये अपशब्द नहीं है, ये दुनिया भर में इनके लिए एक ट्रेंड चला हुआ नाम जो गोबर बख्त है। गोबर का मतलब क्या होता है कि जिसके दिमाग में गोबर भरा है, जिसके दिमाग में गोबर भरा है वो गोबरू वाली बात करता है। आप तो सही बात करते हैं ना, तो आप भी तो अपने दिमाग से निकालिए सब चीजें, आप तो सही बात करते हैं ना, तो आप क्यों ऐसा प्रूफ दे रहे हैं कि आप भी वही हैं? मैं कह रहा हूँ एक इंडिया के हीरो मोहम्मद शमी की क्या हालत कर रहे हैं ये गोबर। अरे मोहम्मद शमी पर जवाब देने के लिए बहुत सारे क्रिकेटर सामने आ चुके, आपने देखा नहीं होगा शायद। आप ये बताइए कि कश्मीर में जश्न क्यों मनाया गया? कश्मीर में जश्न क्यों मनाया गया? कश्मीर में जश्न क्यों मनाया गया? कश्मीर में जश्न मनाया गया भाई, जश्न इसलिए मनाया गया कि आप सुनिए ना, सुनिए सुनिए, आपने 370 को खत्म किया, 45A को खत्म किया, कश्मीरियों ने अमित शाह के मौजूदगी में ये जवाब दे दिया भैया कि देख लीजिए हमारा दिल कहाँ है, हमारा दिमाग कहाँ है, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, ये रिस्पांस है कश्मीरियों का। क्या कह रहे हैं आप अपने शब्द जरा एक बार फिर से अपने माइंड में
उसे रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से समझिए आप क्या बोल रहे हैं। रियलिटी, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, मैम मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेरा काम है भारत को, भारत की आवाम को सच का सामना करवाना, झूठ का नहीं। आप झूठ पड़ोस रहे, मैं सच बता रहा हूँ कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है और कश्मीर वैली में जो किया गया कल, जो जश्न मनाए गए हैं, और ये 370 हटाने का जवाब मिला है अमित शाह साहब उनकी मदद में। तो अमित शाह साहब से सवाल पूछिए, आपकी बातें समझ आ गई है। गौरव साहब बताइए कि वकार साहब कह रहे हैं कि अगर जश्न मनाया गया है कश्मीर में अमित शाह के रहते हुए, तो ये फेलियर है सरकार का। अच्छा अच्छा, हम तो हाँ तुम्हारा नंबर देख के उठा लिया। फेलियर क्या, इनको जश्न मनाया गया है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्हें लाइसेंस मिल गया कि पाकिस्तान को कश्मीर सौंप दिया जाए या पूरे कश्मीर वासियों को पाकिस्तानी समझ लिया जाए। जो मैडम जी, मुझे तो नहीं लगता जाते हैं, जो मैंने आपको एक दिन ऑफर भी दिया था, कश्मीर में आइए, हालात देखिए, मस्खरे को शांत कराइए, ऐसे मस्खरे को शांत कराइए पहले। बकार साहब एक सेकंड, जो सारगर्भित बात बोलने नहीं आता उसको, वो पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात करता है और पाकिस्तान की पैरवी करता है। मेरा मेरे गूगल में जो ना 12 साल में जितनी आपकी पॉलिटिक्स में एज है, इतनी मैं बचपन से डिबेट कर रहा हूँ। मुझे मत सिखाइएगा। वो इतनी देर से बोले दीजिए, कश्मीर में रहने वाला, जवाब भी तो सुन लीजिए। आतंकवादी सिर्फ की पैरवी करने वाला व्यक्ति क्या बात कर सकता है टीवी पे, वो साफ समझ में आ रहा है, उसका प्रमाण देने की आवश्यकता। यही तो अपना टैलेंट है भाई। वकार साहब को ना, वकार साहब को महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से थोड़ा ज्यादा प्रेम है। बकरा मानसिकता के लोग, उनको उधर ही ले जाओ, महबूबा को अब्दुल्ला को अपने घर में लेके जाओ, बिरयानी शिरयानी खिलाओ। हम उससे आगे, हम उनसे दुखी है पहले, हम उनसे पहले दुखी है। शब्द तो आपके वही है, फारूक अब्दुल्ला मोदी का बड़ा भाई, महबूबा उसकी बहन मोदी की, मेरा रिश्ता नहीं उसे। मुख्य धारा से जुड़ा है, आज कश्मीरियों के पास विकास के साथ जुड़ने का एक अवसर है, जुड़ेंगे तो उनका विकास होगा, उनके क्षेत्र का विकास होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे 30,000 लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास दिखाया है, जिस प्रकार वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिस प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आज भी 4,000 करोड़ की परियोजना कश्मीर को सड़कों की, इसलिए विकास के साथ जुड़े, विकास के साथ जुड़े। पाकिस्तान की पैरवी करने वाला व्यक्ति, अब इनके दिन लग चुके हैं यार, पहुँच चुके हैं भाई, चुनाव की स्पीच नहीं हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ गौरव साहब, ठीक है, आपने बहुत गिनवा दिया कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग युवाओं के लिए वो करेंगे, आज अमित शाह ने भी बहुत कुछ बोला है। 2024 में ऐसा कश्मीर मिल जाएगा जो कश्मीर देशवासियों को चाहिए। 2 साल पहले आपने यही बात करी थी 370 हटाने से पहले। ऐसा नहीं कि आपसे सवाल नहीं होगा, आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी की बात है, सुरक्षा की बात है वहाँ पर। अब भी आपने बीते दिनों देखा होगा कितने लोग मारे गए हैं, आतंकवाद एक बार फिर से वहाँ बढ़ रहा है, कोई हाई एक्शन लीजिए। कल भी एक बच्चे को मारा है, एक शहीद किया एक बच्चे को कल अनंतनाग में, उसकी बात करें। आप भी कह रहे थे कि कश्मीर में शांति बहाल होगी, अमन चैन आएगा, अमन चैन नहीं नजर आ रहा है, पलायन कर रहे हैं लोग, जम्मू में शिफ्ट हो रहे हैं कश्मीर से, क्यों? मैं भी कल छोड़ रहा हूँ, जो रास्ता अख्तियार करेगा आपके पास गौरव जी बस एक ही जवाब है, जो रास्ता अख्तियार करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे एक्शन लीजिए ना, लीजिए एक्शन। जवाब दे रही है और इस वकार जैसे जिहादी की परेशानी यही है, इस वकार के जिहादी की परेशानी वही है और परेशानी नहीं है। मैं कांग्रेस की मोहतरमा का भी जवाब देता हूँ, ये देशद्रोह की बात करती है, जो रजिस्टर्ड सेडिशन के चार्जेस जिनके ऊपर है, जिनके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस है, उनको ये अपने पार्टी में लेती है। इनका नेता पाकिस्तान में जाकर रोता है कि मेरी सरकार बनाइए, और ये गाय की बात करती है, इन्हीं के नेता ने गौ रक्षकों के ऊपर गोली चलवाई थी दिल्ली में 1967 में। इसलिए पहले अपने इतिहास को खंगारे, अपनी कुंडली को जाने, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाए। सूची जी बहुत चुप बैठी, आप तो आरोप लग रहे हैं आप पे।
आरोप के ये जब विपक्ष में होते हैं तो प्याज बेचते हैं, सिलेंडर लगते हैं, राजघाट पे बैठे रहते हैं, जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो भी विपक्ष की भांति व्यवहार करते हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, सरकार के अधीन और गृह मंत्री के अधीन तो पूरे देश भर की पुलिस और संवैधानिक संस्थाओं की जो हालात है, तो कम से कम अब तो आरोप और प्रत्यारोप से बाहर आए, सरकार अपनी नाकामियों को स्वीकार करे, सरकार ये बताए कि जो देश भर में हालात हैं, भाई सीमाओं की बात करिए तो भी ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है, भले ही चाइना में अनुवाद करके ग्लोबल टाइम्स ने उसको मैंडरिन में छापा हो, चाहे नेपाल के बॉर्डर की बात करिए, चाहे अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर गांव तक, चाहे जो राज्यों के बॉर्डर्स पर जो स्थितियां हैं, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार का तनाव हो, पटना से SP जाए तो वहां ना जाने दे, तो जो ये सरकार है ये इतना ये सिवाय पोलराइजेशन के कुछ करती ही नहीं है और आरोप लगाती है विपक्ष पर। इनको तो सूर्योदय हुआ है तो कांग्रेस जिम्मेदार है, सूर्यास्त हुआ है तो कांग्रेस जिम्मेदार है। तो नेहरू जी की गलतियों की जो सजा इनके मुताबिक 70 वर्षों से जो ये काट रहे हैं, इनका जो कहना है, जी जी नेहरू जी की नहीं, खानदान की, परिवार की, और परिवार में वंशकथा है, जहां से गड़बड़ी होती है। नहीं, तो परिवार तो लालजी टंडन का भी है, परिवार तो कल्याण सिंह का भी है, परिवार तो राहुल महाजन साहब का भी है। नहीं, जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, 370 हटा था, नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था, तो कांग्रेस को बहुत बुरा लगा था। आज महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जब विशेष राज्य का दर्जा मिला था, मिठाइयां बांटी गई थी, तब आपत्ति नहीं हुई थी सरकार को, अब आपत्ति है जश्न मनाने से। यानी कि पाक की जीत पर हम जो क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से, वो हम अब इसका जश्न भारत में मनाने दें तो बहुत अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हम क्यों करें पाकिस्तान से बात, जब कश्मीर हमारा है तो फिर पाकिस्तान पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको वो अच्छे नहीं लगते, तब तो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्रेम उमड़ रहा था। नहीं, तो राम माधव ने तो कहा था कि राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी, और सरकार को सेव करने के लिए सरकार के प्रवक्ता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट को एम्पलीफाई करने के लिए, उनके एजेंडा को फिक्स करने के लिए चैनल भी जब उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो हमें पूछना पड़ता है कि भाई जिन स्कूलों में पढ़ाई की वो कांग्रेस ने बनवाए थे, जिन बूथ में पोलियो लगाया वो कांग्रेस ने बनवाए थे, जिन विद्यालयों में आपने शिक्षा ली वो कांग्रेस ने बनवाए थे, जिन संस्थानों में आपके परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं वो कांग्रेस ने बनवाए थे, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स निकल रहे हैं वो IIT और एम्स कांग्रेस ने बनवाए थे, ये भाभा एटॉमिक रिसर्च के लिए प्लानिंग कमीशन और आपको ऐसा लगता है कांग्रेस ने ही बनाया है? जी, तो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि सरकार के सवाल नहीं होते चैनल्स में, सरकार के सवाल नहीं होते, सपोर्ट किया जाता है, आपके सामने मैं सवाल कर रही हूँ, फिर भी आप सरकार से सवाल, आप गलत सवाल कर रही है, आप गलत सरकार से सवाल करिए कि टमाटर 80 रुपए किलो क्यों है। अरे जब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो मैं टमाटर की बात क्यों करूं? सरकार से पूछिए कि सिलेंडर 1000 रुपए का क्यों है? ठीक है, मैं आपकी बात, सरकार से पूछिए कि सीमाओं का ये गुंडागर्दी क्यों है? मैं आपकी बात पर आती हूँ। सरकार से पूछिए कि देश में क्लेश क्यों है? सोचिए, सरकार से पूछिए कि NCERB के आंकड़ों में महिलाओं की ये दुर्गति क्यों है? एक सेकंड, आपके सवाल गलत है। आप सरकार से सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल करिए। सबका जवाब दूंगी। आप सरकार की नाकामियों का सवाल विपक्ष से कर रही हैं, तो आपके सवाल गलत हैं। मैंने नाकामियों का सवाल, सवाल गलत कर रही हैं। नाकामियों का सवाल आपसे चुनाव के समय किया ही नहीं रही हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। CHCs और PHCs की स्थिति क्या है? सूची जी, आप सवाल करिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, सड़कों पे गड्ढों की स्थिति क्या है, आप पूछिए। 15 लाख रुपए ना, आप सुनेंगे तभी तो पूछूंगी। आप पूछिए गन्ना मूल्य का भुगतान क्यों नहीं हुआ? आप सुनेंगे तभी तो मैं पूछूंगी। गेहूं का बेसिक MSP क्यों नहीं मिल रहा है? आप पूछिए कि सीमाओं पर ये किसान बैठे क्यों है? आप पूछिए कि सरकार किसानों को आतंकवादी बनाने पर क्यों लगी है? बोल लीजिए, आपके सवाल गलत है। ठीक है, अब आपको मैं करेक्ट करती हूँ कि आप कहाँ गलत है। पहली बात तो मैंने सरकार के लिए आपसे सवाल पूछा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि महंगाई की आप बात करती हैं, टमाटर प्याज के जो महंगे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल में 4 बजे एक और डिबेट जाती है जिसपे हम ऐसे मुद्दे को उठाते हैं। ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का है और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं, जो अमित शाह ने आज संबोधन किया है, बात महंगाई पर बात तो नहीं हो रही है, मौतों पर सवाल उठाइए, कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन। अरे तो आप बताइए ना, फिर मैं जाऊं फिर राजस्थान पर, छत्तीसगढ़ पर मैं जाऊं फिर? नहीं, मैं जाऊं राजस्थान पर उसके लिए। भाई मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सरकार से सवाल करिए। सरकार से सवाल हो रहे हैं, सुरक्षा पर सवाल हो रहे हैं। 370 हटने के बाद आप देखिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, पहली बात तो ये।
प्रवक्ता गौरव जी उनसे सवाल पूछ रही है, व्यवहार कर रही है। नहीं, आप बीजेपी प्रवक्ता की भांति व्यवहार कर रही हैं, आप पत्रकार की भांति व्यवहार करें, जिम्मेदार भारतीय नागरिक की भांति व्यवहार करें। पत्रकार की तरह ही व्यवहार कर रही हूँ, पता नहीं आपको क्यों इतनी बौखलाहट हो रही है। मैं सरकार से सवाल नहीं कर रही, क्या आपने सुना नहीं, आपने सुना नहीं कि मैंने उनसे क्या पूछा कि 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव दिया है आपने, क्या जम्मू कश्मीर की जनता को क्या किया है आपने, क्या मैंने नहीं पूछा, आप नहीं सुन रही है? क्या आपको लगता है कि उनका उत्तर जस्टिफाई करने वाला था? क्या वो ये बता सके कि उत्तर कि जम्मू एंड कश्मीर में रोजगार की अभी की स्थिति क्या है? क्या तो ये इनका कॉल है, ये वो बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, वो ये वो बताएंगे, मैं उनसे सवाल करूंगी तो आंसर वो करेंगे, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी। 6,000 नहीं, कोई भी उन्होंने आंसर जस्टिफाई वाला दिया ही नहीं। तो वो आप सवाल करिए ना, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, आप काउंटर करिए। आप ये बोलिए ना कि आप उनको कह रही हैं, आप मुझे क्यों बीच में ला रही हैं? सवाल तो आपसे भी होंगे, विपक्ष से भी होगा और सत्ता पक्ष से भी होगा। आप माध्यम है, नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं, आप माध्यम है, जो प्रश्न है वो आपके माध्यम से ही जाएंगे। बहुत शिकायतें सूची जी आपको, गौरव जी बहुत शिकायतें सूची जी मेरे माध्यम से आपसे पूछ रही है। चलिए बताइए, बहुत सवाल किए, महंगाई पर ही बता दीजिए क्यों हो रही महंगाई, पेट्रोल डीजल, चलिए पूछ ही लेती हूँ सूची जी, सुरक्षा पर बाद में बात कर लेंगे। थैंक यू। पूछिए, एक प्रश्न पूछिए गौरव जी, इतनी देर से आप सूची जी को नहीं सुन रहे थे? नहीं, मैंने सुना काफी प्रश्न इनके, मैंने सुने, इको करके आवाज आ रही है, लेकिन इन्होंने महंगाई बढ़ रही है इस पर वो सवाल पूछ रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर पूछ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रही हैं, जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार मिला है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये पूछ रही हैं सूची जी। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ उनको, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में रोजगार पर ही आ जाए, 20,000 लोगों को अब तक ऑन रिकॉर्ड रोजगार दिया जा चुका है, 6,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया है माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक है, 51,000 करोड़ के निवेश का रोड मैप 2024 तक दिसंबर 2022 तक तैयार खड़ा है, ठीक है, 4,000 करोड़ की सड़कों की परियोजनाएं आज समर्पित कर दी गई राष्ट्र को, ठीक है। इसके अलावा महंगाई की इन्होंने बात की है, जरा 17.5% पर जब आप महंगाई की दर छोड़ के गए थे उस समय महंगाई की क्या स्थिति थी, आज महंगाई की दर 3% के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारी सरकार ने इतने बड़े पैंडेमिक के बावजूद, पूरे दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई, लाखों लोगों ने अपनी जान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गंवाई, उसके बाद भी देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराना, मुफ्त में 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन देना, ये अपने आप में भगीरथ और महान कार्य है पूरे दुनिया के लिए। कोई महान कार्य नहीं है गौरव जी, क्या कोई महान कार्य नहीं है? आपदा की स्थिति में सरकार का कर्तव्य है जनता की मदद करना, कोई महान कार्य तो नहीं है? तब पता लगता कि क्या स्थिति, जब 40-40 साल बाद एक एक वैक्सीन आती थी, 20-20 साल बाद वैक्सीन आती थी इस देश के अंदर, तब ये पता लगता था कि हाँ इसकी कीमत क्या है। आज एक वर्ष के अंदर में 200 स्वदेशी, ठीक है गौरव जी, ठीक है, भारत में लगाया, ठीक है सूची जी, शायद आपको अब सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया होगा। जानती है कांग्रेस के लोग सूत्रमुर्ग बन करके घूमते रहे, ये उनकी उनके लिए स्वागत योग्य है, जनता उनको जवाब देगी जहाँ ये बैठे हैं। ठीक है गौरव जी, ठीक है सूची जी, इस पर आपसे कमेंट में लूंगी, उससे पहले वकार साहब से कमेंट लूंगी, बहुत देर से बैठे हुए हैं वकार साहब। अभी गौरव जी ने बोला है, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपने पिछली डिबेट में मुझसे पूछा था कि डेवलपमेंट बताइए, तो मैंने आपसे कहा था कि जब सरकार कोई घोषणा करेगी और जब सरकार बताएगी खुद से, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आप सुन लीजिए, आप डिबेट में कहा है उन्होंने, 20,000 लोगों को रोजगार दिया जम्मू कश्मीर में, 51,000 करोड़ रुपए का जो रोड मैप है वो बनकर तैयार होगा 2024 के बाद, 8,000 सड़कों की परियोजनाएं हैं, ये सब बातें उन्होंने रखी है। बता साहब कहाँ चले गए? मैं इधर ही लाइट जला रहा हूँ, आप बताइए। बकार साहब यही कश्मीर में लाइट बताइए, 20,000 लोगों को रोजगार मिला है गौरव जी कह रहे हैं, 51,000 करोड़ का जो रोड मैप है तैयार है 2024 के लिए, 8,000 सड़कों की परियोजनाएं हैं वो बिल्कुल तैयार है जम्मू कश्मीर में, 55,000 लोगों को घर भी मिला है, 55,000 लोगों को घर मिला है गौरव जी कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड 20,000 लोगों को घर दिया जा चुका है, इसी से बलवा लो मैडम जी, इसी से बताइए
वकार साहब भाषा को थोड़ा मर्यादित रखा करिए। नहीं तो जब बीच में कोई टोकेगा तो मैं भाषा की मर्यादा नहीं तो ऐसे थोड़ी ना, आपसे उम्र में भी बड़े हैं, मुझे नहीं है, आपसे उम्र में भी बड़े हैं। उम्र से मैं बकरा तो बस मैं करता हूं, उम्र का मेरा मेरा मैं छोटे की भी इज्जत करता हूं जो रिस्पेक्ट देता है, तो जब कोई छोटा भी मेरी इज्जत नहीं देता बड़ा भी, तो मैं भी नहीं देता हूं। चलिए ठीक है, समाज सुधारक हैं आप, चलिए ठीक है, समाज सुधारक हूं ठीक हूं, लेकिन मैं इज्जत दूसरी की दूंगा जो दूसरा की इज्जत देगा, ठीक है, बताइए, इज्जत नहीं देगा मैं उसके ठीक है, ठीक है, मान लिया, बताइए। मैं वही बोलने जाता हूँ, सुनिए ना, इन्होंने सवाल किया, सुन लीजिए आप, सुन लीजिए, तोते की तरह बोलते जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे, अब सुनिए, आप भी बोल लीजिए, कुछ देखते हैं। 20,000 रोजगार की आपने बात की है जी, जब 370 को खत्म किया था तो इन्होंने कहा था कि हम 1,00,000 रोजगार 2 महीने के अंदर देंगे। मैं आपके बीजेपी के तमाम नेताओं की और उस टाइम के जो गवर्नर थे उनकी स्टेटमेंट जाके आप देख सकते हैं गूगल पे, 1,00,000 उस टाइम बोला था 6 महीने के अंदर हम रोजगार देंगे, ठीक है, ये आज 2 साल के बाद 20,000 की बात कर रहे हैं, और 20,000 छोड़िए, 20 जॉब नए नहीं लगे हैं 2019 के बाद आज दिन तक 20 ऐसे गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे हैं, उल्टा नौकरियां गई हैं, 2 साल से स्कूल बंद है, आप देखिए दिल्ली में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना था, कोरोना काल में चीजों को संभालना भी तो जरूरी था ना वकार साहब, सुनिए ना मैडम जी सुनिए ना, ठीक है जहाँ दिल्ली में महाराष्ट्र में बाकी रियासतों में सबसे ज्यादा कोरोना था, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उस जगह स्कूल ओपन हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा कम कोरोना हुआ जम्मू कश्मीर में, वहाँ आज दिन तक स्कूल ओपन नहीं किए जा रहे हैं, इसके पीछे प्री प्लानिंग है कि किस तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों को अनपढ़ रखना है, किस तरीके के साथ उनकी एजुकेशन छीननी है, वो छीन चुके हैं 370 से लेके आज दिन तक, 1 महीना भी स्कूल ने वर्क नहीं किया, चाहे वो प्राइवेट थे चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल थे। उसके बाद ये हेल्थ की बात करते हैं, रोडों की बात करते हैं, मैं आपको मैडम जी मैं आपको खुले मंच से दावत देता हूं, कश्मीर में आप आइए, मैं आपको रोडों की हालत बताऊंगा, अगर रोडों की हालत देख के आप पहले प्रॉमिस करिए, पहले प्रॉमिस करिए, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, बिल्कुल बेशक 100% जिस तरह के हालात है, मैडम जी ये बात तो गलत है ना, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैडम जी मैं बात सुनेंगे, मैं आपको वादा देता हूँ, मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ से ब्रह्मवाणी निकला, मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ से रियाज नायकू निकला, मैं उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ से जाकिर मूसा निकला, अगर आपके आपको रिस्पेक्ट दे के लोगों ने इज्जत से चाय ना पिलाई, प्यार से बैठाया ना, तो मुझे कहना कि वकार ने झूठ बोला था, यहाँ इज्जत देने तो वाले लोग हैं, है। कश्मीर में अमन चैन है, करने वाले लोग हैं वकार साहब, कश्मीर में अमन चैन है, लोग खुश हैं, कश्मीर में लोग खुश उन लोगों से खुश हैं जो हक बोलने वाले हैं, जो सच बोलने वाले हैं, अच्छा झूठों से हम नफरत करते हैं, ठीक है, हम झूठों से इतनी नफरत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, चाहे उसमें हमारा खुद का बाप क्यों ना हो, अगर वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गलत करेगा तो हम उसको भी बोलेंगे तू गलत है। आपके लिहाज से जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्या गलत हो रहा है, आप ये बताइए, 370 हटने के बाद क्या कुछ गलत हुआ, आज मैं जानना चाहूंगी कि क्या गलत हो रहा है आपके माध्यम से। मैं बताता हूँ 370 के बाद 35A के बाद सबसे पहली गलती वही हुई थी जब 370 और 35A को खत्म किया गया, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की आवाम को पूरा जेल बना दिया पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, घरों में बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी, हर घर में एक फौजी लगा दिया गया और उसका हक उससे छीन लिया गया, जहां हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता था कि जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली ना चाहेगी, जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली में चुने हुए लोग नहीं चाहेंगे, तब तक आप 370 को खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन उस टाइम असेंबली नहीं थी, उस टाइम कोई चुनाव विधायक नहीं था, उसके बाद भी हिटलर शाही की तरह 370 को 35A को खत्म किया, जैसे वो कहते हैं ना मंगल सिंह आ गया था, मंगल सिंह ने आके ऑर्डर सुनाया, ऑर्डर हो गया काम, मंगल सिंह की तरह हमसे सब कुछ छीन लिया गया, हमारे आज भी हजारों बच्चे जेलों में हैं जो 370 के टाइम इन्होंने उठाए थे, बनारस गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली जम्मू कश्मीर की जेलें भरी हुई हैं, जो पत्थर मारते हैं वो कौन से पत्थर मारते हैं, नहीं वो बच्चे हैं यार जी, एक बात सुनिए,
एक बात सुनिए, पत्थर हरियाणा में भी मारे जाते हैं जाट आंदोलन में, पत्थर उत्तर प्रदेश में भी मारे जाते हैं गुर्जर आंदोलन में, पत्थर गुजरात में भी मारे जाते हैं जब पटेल आंदोलन निकालते हैं। उसका मतलब नहीं कि आप पूरे गुजरात को ही जेल में डाल दोगे, पूरे पटेल खानदान को ही जेल में, या डोगरा को, मराठा को, या गुजर को जेल में डाल दोगे। दंगे होते 1990 गौरव साहब, 1990 से पहले क्या हालात हुए थे जम्मू कश्मीर में, जो हिंदू लोग थे, जो कश्मीरी पंडित थे, किस तरह से उन्हें मार कर निकाला गया? अगर ऐसे हालात होते तो शायद आपको अच्छा लगता। मेरी बात सुनिए ना, आप व्हाट्सएप कम चेक कर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप जो यूज किया ना, उस पर आप कम जाइए, आप रियलिटी में आइए। जम्मू कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों को ट्रक भर भर के, बसें भर भर के जगमोहन ने निकाला था कि 2 महीने बाद वापस आ जाना, तब तक मैं मुसलमानों को ठिकाने लगा दूंगा। झूठी थी, झूठी थी। चलिए ठीक है, मैं तो उस समय नहीं थी, मैंने इतिहास ही पढ़ा है। सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, मैं गुजरात में 2002 में उससे ज्यादा मुसलमान मारे गए। यहाँ 200 हिंदू कश्मीरी पंडित मारा गया था 90 में, और गुजरात में हजारों मुसलमान मारे गए। क्या आज दिन तक गुजरात के बारे में बात क्यों नहीं आप करते? देखिए हिंदू मुसलमान तो गुजरात के, आपने आपने गुजरात को जिसने जिसने मुसलमानों का, गुजरात पर कांग्रेस तो बहुत बात करती है, गुजरात पर कांग्रेस तो बहुत बात करती है, क्यों सोचे जी? किसकी कांग्रेस? देश पर बात करती है, देश के नागरिकों पर बात करती है। बस जहाँ खुद की सत्ता होती है वहाँ बात नहीं करती, बाकी तो हर जगह बात करती है। पूरा देश हमारा है, तो जहाँ आपकी सत्ता है वहाँ पर भी बात कर लीजिया करिए थोड़ा। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, हमने कहा ना, हम देश निर्माण के साक्षी हैं। हमने अंग्रेजों से पेंशन नहीं ली, मुखबिरी नहीं किए, टेंट नहीं लगाए थे, माफीनामा नहीं लिखा, हमें किसी का डर नहीं है। और आपने अभी कहा ना कि आपने इतिहास पढ़ा कितना है, कि हमने एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ा है, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और शाखाओं से पढ़ा है। उनको जो पढ़ाया गया है बस उन्होंने वही पढ़ा है। डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स की बेसिस पर कभी कभी एक्चुअली आदमी इधर उधर डेविएट होता है। और आज भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियां कुछ भी हो, सत्ता की प्राप्ति की लालसा इस कदर ना हो कि आम नागरिकों के हकों हकूक को कुछ लगा। 70 साल आपने राज किया सत्ता की लालसा में, अभी फिर इतने कम सालों में क्यों इतनी खलबली मची हुई है कांग्रेस में? आपने भी तो 70 साल सत्ता की लालसा, सत्ता का स्वाद खूब चखा है। अच्छा मैडम जी, एक सवाल का इतिहास है, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या श्रीमान राजीव गांधी जी हो, सफर रहा हो, हमने देश की सेवा की है, और जो हमने खड़ा किया उसको बेच करने पड़े हैं जी। आज अर्थव्यवस्था पाताल लोक में है, लाखों लोग नौकरियां गवा चुके हैं, स्टार्टअप तबाह हो गए, एंटरप्रेन्योर्स मर गए, जो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, MSMEs, कितनी परवाह, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 1 किलो चने पर ला दिया है। नकली सपने, झूठे वादे लेकर आए थे, 15 लाख का वादा करके 125 करोड़ नागरिकों के हाथ में कटोरा देने की तैयारी की। ठीक है, प्रियंका गांधी रोजगार देने जा रही है 2022 में, देखेंगे 2022 में कितने रोजगार मिलेंगे। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ठीक है वकार साहब, पूछिए। पहली बात आप बताइए, आप कश्मीर का बारे रिपोर्टिंग करने के लिए? देखिए ये सब बातें हम बाद में करेंगे, और ये सब बातें शायद मुझे नहीं लगता कि इस पर बात करनी चाहिए, कश्मीर का दौरा करने या कश्मीर जाने की रिपोर्टिंग नहीं है ना जम्मू कश्मीर। सुनिए, मेरी बात, आपके कश्मीर में आपके यहाँ रिपोर्टर नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप आके खुद एक बार क्या करिए, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, प्रोग्राम करने जम्मू कश्मीर में जरूर आएंगे, आप इतना आमंत्रित करें तो हम जरूर आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। मेरी पूरी बात सुनिए ना, अगर आप सच्चे पत्रकार है ना, अगर आप में दिल है ना, तो उस माँ के घर में जाना जिसके कल जिसके बेटे को कल एक बेचारे दूध वाले बच्चे को जो दूध लेना लेने के लिए कहीं जा रहा था, बेचता था जरा दूध बेच के अपने घर को पालता था, जिसको आर्मी वालों ने मार दिया, जाके उस माँ से मिलिए। आर्मी वालों ने मारा। हाँ जी, आप पढ़िए ना, गूगल पढ़िए। ठीक है, आज से पहले 10 दिन पहले CRPF वालों ने इसलिए एक लड़के को मार दिया अनंतनाग में, उसकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगी थी, पिछली गोली मार। वकार साहब ये बात सही नहीं है, मैं सब पे आऊंगा, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उन पर आप कैसे आ जाते हैं? सुनिए ना मैडम जी, सुनिए ना, जो टारगेट किलिंग हुई, चाहे वो प्रिंसिपल सिख मैम की हुई, चाहे कश्मीरी पंडित की हुई, चाहे वो किसी की भी हुई, चाहे वो नॉन लोकल की हुई, आप इन तमाम के घरों में जाइए, इनकी माओं से मिलिए,
इनके बच्चों से मिलिए, फिर दर्द का एहसास पता चलता है। पॉलिटिक्स करना आसान है, हम मैं भी स्टेटमेंट दे दूंगा, मरा किसी का बच्चा होगा, मरा किसी का बाप होगा, दर्द उसके घर में होगा जिसके घर का वारस या जिसके घर का बच्चा या जिसके घर की औलाद इस दुनिया से चली गई। तो आप नहीं चाहते, चलिए एक मिनट सुन लीजिए वकास साहब, ठीक है, बहुत समय मैंने आपको दिया, आप एक मिनट सुन लीजिए। आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा पढ़े लिखे, अच्छी सुरक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले? पूरे इंडिया में पढ़ा लिखा जम्मू कश्मीर का बच्चा है, आप जानते हैं सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर का नौजवान जो पढ़ा लिखा है, यहाँ से आज भी IAS टॉपर यहाँ से आते हैं ज्यादा तादाद में, ठीक है मैडम। यहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की कमी नहीं है, यहाँ स्कूल 6-6 साल बंद भी रहते हैं ना, उसके बाद भी बच्चे पूरे इंडिया में से आगे जाते हैं एजुकेशन में। तो इसका इसका मत डालिए कि यहाँ पे पढ़ता नहीं है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि ये बीजेपी वालों से कम आप सवाल पूछे करें, कि ये बीजेपी वाले लोगों से ये पूछे भाई आपने 3 साल खत्म किया क्यों था, वो ठीक है वो तो सवाल, वो सवाल गौरव जी से पूछ लिया जाएगा। वकास आप एक बात ये बताइए कि फिर वो कौन से बच्चे होते हैं या वो कौन से नौजवान होते हैं 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, जो इस तरह की आतिशबाजी करते हैं जैसे कल की थी? मैं बता रहा हूँ ना मैम, एक बात बताइए, आप बताइए मुझे कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी मुल्क, ठीक है, क्लियर। जब इतने बड़े डेमोक्रेसी मुल्क में 2019 5 अगस्त को 370-35A को खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर की 1,35,00,000 आवाम को घरों में बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिए, मोबाइल बंद कर दिए, सुरक्षा के मद्देनजर, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर क्यों पे मोहब्बत करेगा, उनकी सुरक्षा के मद्देनजर, सुनिए दंगे ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, 1990 जैसा हाल ना हो, सुनिए ना मैम, सुनिए ना मैम, सुनिए आप एक काम करें ना, मुझे मेरे 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 सर पे गणपट्टी रख के मुझे ये बोल दें कि आप तिरंगा हाथ में पकड़े और बोले भारत माता की जय, तो क्या पता मैं भी बोल दूंगा, लेकिन तो आपको शर्म आएगी भारत माता की जय बोलने में? नहीं, गन पॉइंट पर आप बोलेंगे, आप पूरी बात सुनाते बहुत है, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। सुनिए एक छोटी सी सुन लीजिए, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान, अगर आप तिरंग आप चाहते हैं ना कि तिरंगे की इज्जत करे, भारत की इज्जत करे, इत्राम करे, सलामी दे तिरंगे को, तो वो दिल से होनी चाहिए, दिल से आवाज निकलनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि आप मथे पे गणपट्टी डाल के उसको बोले बोल भारत माता की जय, वो नहीं होना चाहिए, बोल तिरंगा उठा वो नहीं होना चाहिए, दिल जीतिए दिल, अगर दिल ही जीत सकते आप तो फायदा नहीं है आपका सरकारों में बैठने का, यही कहता हूँ। कोई शब्द नहीं बचे मेरे पास, हालांकि एंकर के पास इतने शब्द होते हैं ना कि कभी खत्म नहीं होते, लेकिन आपकी बातें ऐसी होती है ना कि शब्द निकलने मुश्किल हो जाते हैं। रहना हिंदुस्तान में है, खाना हिंदुस्तान का है, पहनना हिंदुस्तान का है, सांसे सांसे हिंदुस्तान की आबो हवा में लेंगे, लेकिन दिल में पाकिस्तान बसाएंगे। सुनिए ना, सुनिए सुनिए, वो पाकिस्तान जो कभी भारत के बारे में भले की नहीं सोचता, सुनिए वो सुनिए, मैंने आपकी नहीं, वकास आप नहीं, गौरव जी बोलिए, आप एंकर हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ, सुनिए ना आप, मैं आप एंकर हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में यही रिश्ता है, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अगर लेकिन सुनिए, अगर हम दिल से एक दूसरे की इज्जत करेंगे, इत्राम करेंगे, तो हमारे बीच में दोस्ती भी हो सकती है, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस धरती पर पैदा हुई हूँ और इस धरती में मिलूंगी। सुनिए ना, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ। जम्मू कश्मीर अलग नहीं है भारत से, हिंदुस्तान से अलग नहीं है, ना कोई अलग कर सकता है। सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, हिंद महासागर किसको बोलते हैं पता है आपको? मैं बोलता हूँ मुझे बड़ा फख्र है कि मैं हिंद महासागर से हूँ। आप हिंदुस्तानी हैं, हिंद महासागर किसको बोलते हैं? बोलिए पहले, बोलिए हिंदुस्तानी किसको बोलते हैं आप, बोलिए। मेरे 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 मैं सुनिए ना, मैं हिंद महासागर से हूँ और मुझे फक्र है। सूची जी तो बड़े आराम से अभी बोल रही थी कि हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि वो यहाँ से है वहां से, सीधा बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के लिए हम बात करते हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मैंने आप तो एक बार भी नहीं बोलते कि हिंदुस्तान आपका है, आप हिंदुस्तानी है। चले ठीक है, ठीक है वकास साहब, गौरव जी, इंडिया मेरा है, इंडिया मेरा है, इंडिया इंडिया आपका है, बिल्कुल हिंदुस्तान आपका नहीं है, कोई शक इंडिया मेरा है। चले ठीक है,
ठीक है वकार साहब, वकार साहब ठीक है, गौरव जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वकार साहब बहुत समय मैंने आपको दिया है, गौरव साहब, गौरव जी सो रहे हैं, गौरव साहब क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नींद में इस टाइम गौरव साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूची जी क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? सूची जी, जी गौरव साहब आवाज आ रही है क्या? तो शायद कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वकार साहब हमारे साथ बने हुए हैं। वकार साहब देखिए समय का समय भी हो गया है, चलिए आखिरी कमेंट आपसे भी मैं ले लूं। आप क्या मुझे? चलो मोहब्बत की थोड़ी सी बात करिए कश्मीर के लिए, इस टाइम में क्या चाहते हैं आप? वकार साहब आप डिबेट में बैठे हैं, शब्दों का थोड़ा सा देख लीजिए करिए। मैंने बोला कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मोहब्बत की बात करें। ठीक है गौरव साहब, गौरव साहब शब्दों की मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं जिहादियों का इलाज। गौरव साहब वकार भट्टी की बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी हो भी नहीं सकते, आप कभी हो भी नहीं सकते। नहीं तो आप बात ही ऐसी करते हैं, आप तो हिंदुस्तान के नारे नहीं लगा सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो कैसे कैसे मैं आपकी बातों को सही मान लूं? आप सच बोल ही नहीं सकते, आप सच बोल ही नहीं सकते। सहमत हो सकते हैं ऐसे आतंक समर्थित व्यक्ति जब बैठ करके कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता है तो उसमें कश्मीर की ही बदनामी होती है, जो सरकार जो देश नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं है ना जो कश्मीर की बदनामी कर दे, एक अच्छे रूप में देखना चाहते हैं और ये शिक्षा की बात कर रहे हैं कि कश्मीर में शारदा सर्वज्ञ है। आप खुशकिस्मत हो मिस्टर गौरव। वकार साहब चुप रहिए, वकार साहब चुप हो जाइए, ठीक है? वकार साहब बहुत देर से आप बोल रहे हैं, गौरव जी बोलिए। दुनिया का सबसे इनके जैसे लोग जो ये सपना देते थे कि कश्मीर करा आजाद करा लेंगे और भारत के भी टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, वो इनके मंसूबा पर फिर गया, 35 से भी चला गया, 300 से चला गया और पत्थर उठे AK-47 खाते थे वो भी अब खुद के नहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक है गौरव साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से मेरे पास नहीं आ पा रही है, लेकिन हम ये समझ चुके हैं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के आवाम को संबोधित किया है, साफ तौर पर कह दिया है, पाकिस्तान को दो टूक जवाब दे दिया है, और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अमित शाह ये कह चुके हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती बेहद बेतुका बयान देती है, कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो मिठाइयां बांटी गई, लेकिन अब जीत का जश्न जो मनाया जा रहा है उससे तकलीफ हो रही है। तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी, आप भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और जब पाकिस्तान की जीत होती है तो आप जश्न मनाते हैं, तो तकलीफ होगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ जुड़े। देखिए मेरे पास समय की कमी है, इस वजह से मुझे इस चर्चा को यही खत्म करना है। तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह ये प्रॉमिस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ और देश के साथ कि आने वाले समय में यानी कि 2024 तक जिस जम्मू कश्मीर की कल्पना देशवासी करते हैं वो जम्मू कश्मीर देश को दिया जाएगा। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर किस तरह का होगा, कैसा होगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।